गुरुग्राम के सेक्टर 4 जिमखाना क्लब में संत शिरोमणि बाबा दुर्लभनाथ जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। KICC संस्था के बैनर तले पूर्व पार्षद मंगतराम बागड़ी के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम में विधायक सुधीर सिंगला, विधायक डॉक्टर रजनी सोनकर, अनेक अधिकारियों एवं रिटायर्ड अधिकारियों समेत खटीक समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर जहां तो वक्ताओं ने मंच के माध्यम से बाबा दुर्लभनाथ जी की महिमा का गुणगान किया और समाज को एकजुट होने का संदेश दिया, वहीं विधायक सुधीर सिंगला ने बाबा दुर्लभनाथ जी के नाम से एक चौक बनवाने का आश्वासन दिया और 2 लाख रुपए की राशि संस्था के नाम देने की घोषणा की। कार्यक्रम आज 162वां जन्मदिन था तो आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया खटीक समाज द्वारा सेक्टर 4 के अंदर जिमखाना क्लब में हुआ, जिसके अंदर प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। उसके अंदर माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी भी आए थे और हमने समाज की तरफ से उनसे मांग की कि संत श्री दुर्लभनाथ जी के नाम से एक चौक गुड़गांव के अंदर कोई भी जगह एक चौक उनके नाम से रखा जाए, क्योंकि ये संत का दर्जा भारत सरकार ने अभी उनको दिया है जो कि पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात हैं। अब उनके नाम से एक चौक की मांग की थी हमने और वो उन्होंने मंजूर कर ली है और बहुत अच्छा हमारा सफल कार्यक्रम रहा, काफ़ी लोगों ने शिरकत की। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि हमारा समाज जो बहुत ही पिछड़ा रहा, अपेक्षित रहा, और 75 वर्षों में आज़ादी के बाद भी आज हमारे समाज में अगर हम देखें जो 65% हम रूरल इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे जहाँ भी हमारा समाज है वहाँ शिक्षा नहीं है उस तरीके की, जो हम कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं। और हमारे दुर्लभनाथ महाराज जी की आज जयंती हम मना रहे हैं, उन्होंने एक कहते हैं कि गुरु बन करके हमारे समाज को आगे उभारा, और हम ये आशा करते हैं कि जो भी सरकार रहे, जो भी सत्ता रहे, वो हमारे समाज का सम्मान करें और हमारे समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। और मुझे पूरी आशा है कि मेरा समाज मजबूती से अगर अपॉर्चुनिटीज़ और मौका मिलेगा तो बहुत आगे जाएगा, बहुत उन्नति करेगा और बहुत तरक्की करेगा।